हाय चिल्ड्रन, वेलकम टू समृद्धि एजुकेशन प्लेटफॉर्म। समृद्धि एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सबों का पुनः स्वागत है। पिछले कक्षा में मैंने आप लोगों को फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया था, मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया था और उससे संबंधित वो सारी बातें आपको बताई गई थी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए आवश्यक है। आइए आज के वीडियो में मैं आप लोगों के बीच संविधान का संशोधन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आखिर जो भारतीय संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। आपको पता होगा कि संविधान का जो संशोधन है वो संविधान के 20वें भाग में इसकी चर्चा की गई है। संविधान के 20वें भाग में इसका वर्णन आपको मिलता है और इसमें अनुच्छेद 368 जो है संविधान संशोधन के बारे में अनुच्छेद 368 में आपको चर्चा दिया गया है, उसका विवरण दिया गया है। संविधान संशोधन की जो शक्ति है वो आपको संसद के पास है, यानी संविधान संशोधन करने की जो शक्ति है, संविधान में जो अमेंडमेंट करने का जो पावर है वो भारतीय संसद को दिया गया है। देखिए इसमें एक मामला आता है केशवानंद भारती मामले 1973, केशवानंद भारती मामले 1973। तो केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान में वैसे विषय जो इसके मूल तत्व से, संविधान के मूल तत्व से जुड़ा हुआ है, मूल ढांचा से जुड़ा हुआ है, वैसे विषयों पर संशोधन नहीं किया जा सकता है। संविधान के मूल ढांचा से संबंधित विषयों पर संशोधन करने की शक्ति संसद को नहीं दी गई है, ऐसा केशवानंद भारती 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था। अब संशोधन की प्रक्रिया, आखिर अगर किसी संविधान के किसी भाग में अगर संशोधन किया जाना है या किसी आर्टिकल को संशोधित किया जाना है तो उसके लिए प्रक्रिया क्या होगी, किस प्रक्रिया के तहत हम लोग संशोधन करेंगे, आइए हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले आरंभ, संशोधन की प्रक्रिया का आरंभ जो है वो संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है। आपको मालूम होगा कि संसद का दो सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा, निम्न सदन और उच्च सदन। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और लोकसभा को उच्च सदन कहा जाता है। तो संसद के किसी भी सदन में इसकी प्रक्रिया को आरंभ की जा सकती है, राज्य विधानमंडल में इसका आरंभ नहीं होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। जो संशोधन की प्रक्रिया जो है उसका प्रारंभ राज्य विधानमंडल में नहीं होता है, संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है। उसके बाद आपका है दोनों सदनों में विशेष विधेयक की पुनः स्थापना, आरंभ हो गया। अब जो विधेयक हम लोग को संशोधित करना है या संशोधित विधेयक जो प्रस्तुत करना है वो भी किसी भी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य के द्वारा हम उसको पुनः स्थापित कर सकते हैं और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं है, राष्ट्रपति के आदेश लेने की आवश्यकता नहीं है। बिना राष्ट्रपति की अनुमति का कोई भी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य विधेयक को प्रस्तुत कर सकता है। फिर है दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित, जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसको दोनों सदन, उच्च सदन और निम्न सदन दोनों सदन में विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। यहाँ विशेष बहुमत का मतलब है कि संसद में उपस्थित सदस्यों कुल सदस्य संख्या के आधार पर उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत या मतदान द्वारा होना चाहिए। जो सदन है उसमें कुल संख्या के आधार पर उपस्थित सदस्यों का दो तिहाई बहुमत या मतदान द्वारा होना विशेष बहुमत कहलाता है। दोनों सदन में अलग अलग पारित होना आवश्यक है, लोक सदन में लोकसभा में पारित होना भी अलग से आवश्यक है और राज्यसभा में भी अलग से पारित होना आवश्यक है। मैं बता दूं,
कि जब दोनों में अगर कंट्राडिक्शन हो तो ऐसी स्थिति में हम लोग इस संशोधन में, संशोधन की प्रक्रिया के लिए, संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक का आह्वान नहीं कर सकते हैं, हम लोग संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते हैं। तो साफ तौर पर आपको यह मानकर चलना है कि दोनों सदन में अलग अलग इसको पारित होना अनिवार्य है, और जब संसद दोनों सदन में अलग अलग पारित हो जाता है, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि अगर कोई विषय, कोई विधेयक संघीय ढांचे से संबंधित है, वैसी स्थिति में विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का समर्थन भी प्राप्त होना चाहिए, तभी जाके वह विधेयक पारित माना जाएगा। राज्यों की सहमति कब आवश्यक होगा? जब कोई विधेयक संघीय ढांचे से संबंधित हो, संघीय विषय से जुड़ा हो, फिर जब पारित हो जाता है दोनों सदनों में अलग अलग, तो हम लोग उसको राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेजते हैं, और राष्ट्रपति जब उस पर अनुमति दे देता है, राष्ट्रपति जब उस पर अनुमति दे देते हैं तो वही विधेयक अधिनियम बन जाता है। तो ये आपका था संशोधन की प्रक्रिया। अब बिल्कुल अच्छे तरीके से आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा संशोधन का प्रकार। देखिए, भारतीय संविधान में जो संशोधन होता है उसमें तीन तरीके से संशोधन करने का प्रावधान है। पहला एक साधारण बहुमत के आधार पर, दूसरा एक विशेष बहुमत के आधार पर, और तीसरा विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का समर्थन भी प्राप्त होना चाहिए। तो संशोधन तीन प्रकार के होते हैं, एक संसद के साधारण बहुमत, एक संसद के विशेष बहुमत, और एक संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का समर्थन। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि वैसे कौन कौन से विषय हैं जिससे संबंधित संशोधन साधारण बहुमत से किया जा सकता है, वैसे कौन कौन से विषय हैं जिससे संबंधित संशोधन विशेष बहुमत से किया जा सकता है, वैसे कौन कौन से विधेयक हैं जिससे संबंधित विषय, जिससे संबंधित संशोधन विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की सहमति भी आवश्यक है। आइए हम उसकी चर्चा करते हैं। साधारण बहुमत द्वारा, ध्यान से आप इस बात को समझने का प्रयास करेंगे, नए राज्यों का प्रवेश या गठन, मान लीजिए कोई नए राज्य बनाना है, किसी नए राज्य को शामिल करना है, नए राज्यों का निर्माण, उसके क्षेत्र सीमाओं या संबंधित राज्यों के नामों का परिवर्तन, मान लीजिए कोई नाम परिवर्तित करना है, तो ये सारे जो विषय यहाँ पर दिख रहे हैं, नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों की सीमा, नए राज्यों का निर्माण, नामों में परिवर्तन, ये सभी साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। राज्य विधान परिषद का निर्माण व समाप्ति, आपको मालूम होगा कि कुछ राज्यों में विधान परिषद है, कुछ राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। तो जहाँ जहाँ विधान परिषद है, वहाँ विधान परिषद किसी राज्य में हो, किसी राज्य में विधान परिषद का निर्माण हो, या किसी राज्य में विधान परिषद हो तो उसकी समाप्ति हो, ये दोनों बातें साधारण बहुमत के आधार पर संशोधित किया जा सकता है। दूसरी अनुसूची के विषय, पांचवी अनुसूची के विषय, छठी अनुसूची के विषय, कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि आपको पता है कि दूसरी अनुसूची के विषय में क्या क्या है, पांचवी अनुसूची के विषय में क्या क्या है, छठी अनुसूची के विषय में क्या क्या है। आप जब अनुसूची आपने पढ़ा था तो उसमें सारी बातों को आपने देखा था। आपको मालूम है कि दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते पेंशन के बारे में है, तो वेतन भत्ते और पेंशन से जुड़े मामले का संशोधन साधारण बहुमत से होगा। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति जनजाति के संबंधित प्रशासन और नियंत्रण है। छठी अनुसूची में विशेष करके चार राज्य मिजोरम मेघालय त्रिपुरा और असम से संबंधित मामले हैं। तो दूसरी अनुसूची, पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची। फिर है संसद में गणपूर्ति। आपको मालूम होगा कि संसद में गणपूर्ति 1/10 भाग होना चाहिए, तभी संसद का सत्र चल सकता है। इससे संबंधित संशोधन भी साधारण बहुमत से होगा। संसद सदस्यों के वेतन व भत्ते, संसद इसके सदस्यों और इसकी समितियों का विशेषाधिकार,
संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, उच्चतम न्यायालय में अवर न्यायाधीशों की संख्या, उच्चतम न्यायालय में कितने अवर न्यायाधीश होंगे, कितने सब जज होंगे, उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को अधिक महत्व प्रदान करना, मतलब उच्चतम सुप्रीम कोर्ट के इन जुडिशरी एरिया को हम बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, राजभाषा का प्रयोग, नागरिकता की प्राप्ति व समाप्ति, मान लीजिए नागरिकता किसी को देना है या किसी से नागरिकता छीनना है साधारण बहुमत, या नागरिकता से संबंधित अगर कुछ संशोधन करना है तो साधारण बहुमत, संसद एवं राज्य विधानमंडल के निर्वाचन। देखिए अभी मालूम होगा कि CAA का मामला चल रहा था, तो CAA का मामला साधारण बहुमत के द्वारा संशोधित किया गया, और प्रक्रिया तो आपको पता है कि दोनों सदन में अलग अलग तरीके से इसको पारित होना आवश्यक होता है, वो सारी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद CAA आया। फिर संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन, उसके बाद निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण। संसद और राज्य विधानमंडल में अगर निर्वाचन होगा तो निर्वाचन संबंधित अगर कोई मामला कोई विषय होता है तो उसमें संशोधन अगर करने की बात आती है तो हम लोग साधारण बहुमत से करते हैं। उसके क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण जिसको परिसीमन हम लोग कहते हैं, तो परिसीमन से संबंधित विषय साधारण बहुमत के द्वारा, केंद्र शासित प्रदेश का मामला हो साधारण बहुमत, संसद में प्रक्रिया नियम, आखिर संसद में जो प्रक्रिया नियम होगा उससे संबंधित विषय पर अगर संशोधन करना हो तो साधारण बहुमत। तो आपको ये याद रखना है कि साधारण बहुमत में क्या क्या, साधारण बहुमत से क्या क्या, किन किन विषयों से संबंधित मामले को हम लोग संशोधित कर सकते हैं। विशेष बहुमत की बात आती है तो मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, और वे सभी मामले जो पहली और तृतीय श्रेणी के अलावे बच जाता है, जो पहला और तीसरा श्रेणी में शामिल नहीं है, उन सभी मामलों का संशोधन विशेष बहुमत से होगा। मूल अधिकार से संबंधित मामला विशेष बहुमत से होगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित मामला विशेष बहुमत से होगा। फिर संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों के द्वारा नीति के संघीय ढांचे से संबंधित संविधान के उपबंधों को, मान लो नीति के संघीय ढांचे से संबंधित कोई मामला है तो विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति आवश्यक होगी। कौन कौन सा मामला है? राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया, मान लीजिए राष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा है उसकी प्रक्रिया से संबंधित मामला है तो तीसरी श्रेणी में आएगी। केंद्र एवं कार्यकारिणी की शक्तियों का विभाजन विस्तार, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय से संबंधित मामला, केंद्र एवं राज्य के विधायी बीच विधायी शक्तियों का विभाजन, सातवीं अनुसूची से संबंधित विषय। आपको मालूम है कि सातवीं अनुसूची में कौन कौन से विषय है? संघ सूची, राज्य सूची और समूर्ति सूची। तो अगर कोई मामला संघ सूची, राज्य सूची, समूर्ति सूची से जुड़ा हुआ हो और उसमें संशोधन की बात अगर की जा रही है तो विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की सहमति भी आवश्यक है। सॉरी, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संसद में राज्य का प्रतिनिधित्व क्या होगा, कैसा होगा, उसकी उन सारे मामलों का संशोधन तीसरी श्रेणी में आता है। संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसके लिए प्रक्रिया, मतलब खुद आर्टिकल 368 में अगर संशोधन करना हो तो वो आपका संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति आवश्यक है। तो आपने देखा संविधान का संशोधन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आप यह देखें कि किस तरीके से हम लोग संशोधन कर सकते हैं, संशोधन किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है, और संशोधन जो है आपका उससे संबंधित मामला क्या था, उसकी प्रक्रिया क्या है, और कितने प्रकार का संशोधन हो सकता है, कितने प्रकार का संशोधन हम लोग कर सकते हैं। अगली कक्षा में मैं अगले वीडियो लेकर आप लोग के बीच उपस्थित होऊंगा। आप लगातार वीडियो से अपडेट रहें और अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें। धन्यवाद।